नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं, 10 से 20% रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे सोच रहा था कि वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जाए, तो यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे, अगर आपने उसका रिटर्न देखा रहेगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना 20, 30, 40 किसी उसमें से दो तीन स्टॉक्स ने 100% रिटर्न भी दिया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वो तो दिखाने वाला हूँ, लेकिन मंडे के लिए और अगले हफ्ते या कुछ महीनों के लिए स्टॉक्स कौन से बन के आ रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो देख लेते हैं। उसमें से पहला स्टॉक है दोस्तों, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस करके, ओके, इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक्स बाय द टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल मुझे पता नहीं इसका क्या है, लेकिन मुझे इसमें क्या टेक्निकल प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया और अब वो नेक लाइन है, मंथली कैंडल क्लोजिंग दे चुका है। 5 to 6 months से ये स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस के आसपास अगर होल्ड कर रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलता है। अगर सपोर्ट के आसपास होल्ड कर रहा है तो डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव सिनारियो बन रहा है, वो तो हम देखने वाले। यहाँ पे देखिए इसका क्या व्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे एक नेक लाइन था, नेक लाइन का ब्रेकआउट इसने नवंबर 23 में दोस्तों लगभग आप देखोगे तो 83% 1 महीने के अंदर रिटर्न दिया था, 83%, और उसके बाद ये एक ही रेंज में अटक चुका है। और यही अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, वो किस लेवल पे करना है वो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसका अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है टू वो भी देखते हैं, लेकिन टारगेट यहाँ पे बताऊंगा 382 टारगेट रहेगा डायरेक्टली। जैसे अभी ब्रेकआउट हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे क्या क्या व्यू बन के आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन ऊपर गया, रिटेस्ट वहां से ऊपर वापिस यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है स्टॉक, लेकिन हमें कैसे काम करना है स्टॉक में, इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद एक रेंज में अटक चुका था स्टॉक, यहाँ पे फाइनली इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे एक अच्छा मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है विथ वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट मिल चुका है स्टॉक को यहाँ पे। और हमें कैसे काम करना है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आपको इसी लेवल 270 या 260 के आसपास बनानी है, सॉरी यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ की, इस लेवल के आसपास आपको बनानी है लॉन्ग पोजीशन 260 से 270 के बीच में, ओके। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा दोस्तों 9 to 10%, टारगेट मैं आपको दूंगा दोस्तों, फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से 22%, 326, और सेकंड टारगेट रहेगा 42%। जिसको बड़ा टारगेट चाहिए उसने 50% क्वांटिटी 22% पे बुक कर लेना है और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 40% पे बुक करना है। तो यहाँ पे स्टॉक का जो व्यू था वो बता दिया, हिडन जो बातें वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम एसएल के साथ बने रहेंगे या टारगेट के साथ बने रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे सेकंड स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, बीपीएल करके, आपने सुना रहेगा दोस्तों, एक बहुत ही पुराना कंपनी है बीपीएल, इसका ऑलरेडी मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, कैसे करना है दोस्तों, स्टॉक ने बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इसने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया था 21 में, वहाँ से एक अच्छा एक राइज देखने को मिला, बाद में एक रेंज में अटक चुका है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए ऊपर के साइड जा रहा है। तो मुझे कैसे काम करना है दोस्तों, यहाँ पे मेरा एसएल बनेगा, मेरा बाइंग प्राइस है दोस्तों यहाँ पे लगभग 125 से लेके 135 के आसपास एसएल रहेगा, 110 का टारगेट फर्स्ट, 180, और सेकेंड टारगेट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों यहाँ से कम, एक सेकेंड,
कम से कम यहाँ से 253 हमारा टारगेट रहेगा सेकेंड, 250 के आसपास। तो एक अच्छा 100% रिटर्न यहाँ पे इस स्टॉक में मिल सकता है। तो एक सेकेंड स्टॉक हो गया। और थर्ड स्टॉक दोस्तों एक आईटी सेक्टर का है, मिड कैप या स्मॉल कैप में आप बोल सकते हो। उसमें जो स्टॉक है थर्ड, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड करके आईटी सेक्टर का है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट ड्रॉ करके रखा हूँ। एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है दोस्तों। मतलब यहाँ पे आपके सामने मैं एनालिसिस करूँगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे क्यों लग रहा है कि स्टॉक ऊपर, मैं डेफिनेटली दोस्तों इस स्टॉक में मैं वापिस एंट्री लेने वाला हूँ। मैंने ये इस स्टॉक में 140 पे बाय किया था और 200 में मैंने वापिस एग्जिट कर दिया। लेकिन वापिस मुझे एक अच्छा सिग्नल मिल चुका है स्टॉक में, क्या मिल चुका है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम देखिए दोस्तों, पहली बात तो बहुत सारे अच्छे वॉल्यूम्स बने हैं इस लेवल पे, और इसने कहीं ना कहीं वापिस एक बेस बना लिया 181 से लेकर 220 के बीच में। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल देखोगे, यहाँ पे एक थोड़ा रिजेक्शन मुझे दिख रहा है ऊपर के साइड में, 250 हाई लगा के नीचे आए। तो यहाँ पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो एक अच्छा एसएल आप देखोगे, तो एसएल आपका यहाँ पे 215 का एसएल बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10% का एसएल बन रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को देखोगे तो मार्केट बहुत ही पीक पे है। एक अभी हर एक कोई ग्रेडी हो चुका है दोस्तों मार्केट में। लेकिन अगर स्टॉक्स अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, ऊपर मतलब इसका टारगेट रहेगा 350 के आसपास। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बड़ा एसएल हो रहा है दोस्तों। एसएल आप देखोगे, मैं यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन बनाना चाहूँगा 225 के आसपास, तो यहाँ से 18% आपका एसएल बन रहा है दोस्तों, 18 से 20%। लेकिन टारगेट यहाँ पे आप देखोगे तो कम से कम 53% टारगेट बन रहा है, मतलब 1:3 आपको मिल रहा है। लेकिन रिस्क आपके हिसाब से लेना है। अगर आप 40 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है दोस्तों तो वहाँ पे आपका रिस्क कम होना चाहिए। लेकिन स्टॉक अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन चुका है। और वो पैटर्न मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में बहुत टाइम्स मतलब डिस्कस किया है, और वही पैटर्न मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप स्टॉक में एंटर ले सकते हो। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। इन तीन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट कैसा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर 1 लाख रुपीज़ है तो डेफिनेटली 30-30% इन्वेस्ट कीजिए। अगर 50,000 है तो डेफिनेटली 15% के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन तीन स्टॉक हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स में मैं हमेशा ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ दोस्त। अगर बीपीएल, फर्स्ट सोर्स और न्यू इंडिया इंश्योरेंस का आप देखोगे तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस का मुझे हाई प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुका है विथ वॉल्यूम। तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे मेरा जो 1 रुपीज़ है उसमें से 50 पैसा मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, और जो रिमेनिंग 50 पैसा है वो बीपीएल और फर्स्ट सोर्स में इन्वेस्ट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा रहा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।